जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि प्रदेश में मंडी जिला के लोग फोर लेन सड़क के निर्माण से सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। सरकार द्वारा विस्थापित लोगों के पुनर्वास, पुनर्स्थापन व रोजगार देने में योगदान शून्य रहा है। भाजपा नेताओं ने चुनावी मौसम में फोर लेन प्रभावितों के साथ कई वायदे किए थे, जो सत्ता में आके अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को जो मुआवजा दिया जा रहा है, पहले उस राशि पर ब्याज का प्रावधान था, लेकिन NHAI ने मिलने वाले ब्याज पर भी कैंची चला प्रभावितों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे व्यापारियों को मुआवजे के लिए चिन्हित तक नहीं किया गया है, जबकि मात्र कुछ दिनों में मकानों को खाली करने के नोटिस थमा दिए गए। इसमें इतने कम समय में कैसे प्रभावित अपने परिवारों का पुनर्स्थापन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब जबकि सत्ता में आए 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा उन वायदों को पूरा करे। शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेतागण फोर लेन निर्माण कार्य में लगी हुई कंपनी पर सत्ता का आरोप झाड़कर अपनी धौंस दिखा रहे हैं और अपनी अनुचित मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से दबाव डालकर पूरा भी कर रहे हैं। इससे आम लोगों और खासकर फोर लेन के प्रभावित लोगों में सरकार के प्रति रोष है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे भाजपा नेताओं के रिश्तेदार सत्ता के नशे में गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिस कारण कोई अनहोनी घटना घटने से इनकार नहीं किया जा सकता है, जबकि फोर लेन से प्रभावित लोगों की उपेक्षा हो रही है। शर्मा ने निर्माण कार्य में लगी कंपनी से अपील करते हुए कहा कि वे फोर लेन निर्माण कार्य के आसपास रहने वाले लोगों को, खासकर स्कूली बच्चों को, मास्क उपलब्ध करवाए, ताकि धूल से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके और प्रभावित लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करें, अन्यथा जिला कांग्रेस कमेटी प्रभावित लोगों के संघर्ष के लिए आंदोलन करेगी। जो प्रदेश सरकार ने जो प्रभावितों को उनकी रोजगार मुहैया कराने थे, उसमें प्रदेश सरकार विफल रही है। और यहाँ पे प्रदेश सरकार का जो मेन ध्येय बन गया है अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारों को, वहां पे कैसे उनको लाभ दिया जाए फोर लेन के जरिए, और वो उन कंपनियों पे दबाव बना रहे हैं जो फोर लेन का काम कर रही है। इससे एक गुंडागर्दी का, एक अराजकता का माहौल बन गया है, और हमें अंदेशा है कि इस प्रकार से अगर अराजकता रही तो कुछ अनहोनी घटना भी घट सकती है। इसके बारे में हम प्रशासन को और प्रदेश सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि इस प्रकार की अगर कोई अराजक सिचुएशन आती है तो उसके बारे में वो पहले से ही इसमें उचित कदम उठाएं, ताकि ऐसी जो स्थिति है वो यहाँ पे ना बन सके। और इसमें ANHI के द्वारा जो ब्याज दरें इनको दी जाती थी, वो ब्याज दरें भी देने से मना कर दिया, और इसमें जो Factor 2 है वो भी अभी तक लागू नहीं हुआ, और प्रभावित लोगों को महज कुछ दिनों का नोटिस करके उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, और उनको पुनर्स्थापन का एक समय नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा, जो पंडो से लेके जो और तक जो रास्ता है वहां पे स्पैन बने हुए थे, जहां से सब्जियां सरा से आती थी, उसके बारे में भी राज्य सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाया, क्योंकि NHAI वाले उनको तोड़ रहे हैं, और आम लोगों का इससे रोजगार जो है वो इससे खराब होगा। तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में वो उचित कदम उठाए, नहीं तो जिला कांग्रेस कमेटी प्रभावितों के साथ मिलकर सरकार का विरोध करेगी। और अगर कोई मंत्री या कोई मुख्यमंत्री या किसी सरकारी तौर पे किसी अधिकारी का यहां आगमन होता है तो उसका घेराव करने से भी जिला कांग्रेस कमेटी गुरेज नहीं करेगी।